अच्छी वर्क प्रोफाइल जहां आपको लीड जनरेशन मैनेजर के लिए काम करना है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है मंथली बेसिस पर, वो है 58,000 गाइस। और ये काम आपको घर बैठे करना है, यानी कि जो जॉब बेस्ड है ये आपका वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। हाई एवरी वन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिमसॉल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जितने भी जॉब्स हो आपके लिए लेकर आऊँ, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, डेफिनेटली आपको हर तरीके की जॉब अपडेट आपके हिसाब से यहाँ पर मिलती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ एडिशनल टिप्स भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो क्लियरली मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये जो जॉब प्रोफाइल है लीड जनरेशन मैनेजर के लिए है, और जिसके लिए बहुत ही हैंडसम सैलरी आपको मिलने वाली है, वो है 58,000 मंथली। क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कैसे अप्लाई करना है, आप परफेक्ट फिट हो या नहीं हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी इस एंटायर वीडियो में। सो गाइज, आपको इस वीडियो को देखना है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव भी है, और कैसे अप्लाई करोगे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं तब भी कैसे अपने स्किल्स को इन्हांस करोगे ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को जॉब रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और गाइस, मेहनत करके रिसर्च करके लाती हूँ जॉब्स, तो एक लाइक तो अभी के अभी बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे पहले मेंशन किया गया है, कौन सी कंपनी है, कैसे अप्लाई करना है ये आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। द कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग मार्केटिंग कैंपेन दैट प्रमोट अ कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड और सर्विस। तो यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर की है कि आपको इनका मैनेज करना है मार्केटिंग कैंपेन्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर नॉन ऑर्गेनिक हो। अगर ऑर्गेनिक है तो आप सभी ऑर्गेनिक वे में यहाँ पर इनके कैंपेन्स को मैनेज करोगे, नॉन ऑर्गेनिक है तो पेड आपको हेल्प लेना होगा, यानी कि गूगल एड्स, सर्च इंजन मार्केटिंग का आपको यहाँ से हेल्प लेना होगा। ही और शी प्लेज अ मेजर रोल इन एनहांसिंग ब्रांड अवेयरनेस विद इन द डिजिटल स्पेस एज वेल एज ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, एंड एक्वायरिंग लीड्स कस्टमर। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जो है एक मेजर रोल भी प्ले करना है, आपको इनके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और आपको लीड कस्टमर यानी लीड्स भी जनरेट करना है। लीड्स क्या होते हैं कि जब हम लोग ना अपने किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए या कंपनी के लिए वैसे पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट करते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं फॉर अ फ्यूचर सेल्स, तो उसको हम लोग कहते हैं लीड कलेक्टिंग या फिर लीड कस्टमर्स। शुड बी गुड एंड स्ट्रॉन्ग इन जनरेटिंग लीड्स इन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड बी सेल्फ ड्राइविंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर एक दो चीज़ें जो बहुत क्लियर आ रही है, सबसे पहले आपको यहाँ से गाइस मैनेज करना है इनका कैंपिंग, दूसरा आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप सभी सोशल मीडिया पर भी कर सकते हो। और नेक्स्ट है यहाँ पर लीड जनरेशन, यानी कि लीड जनरेशन जो है यहाँ पर आपको लीड्स भी कलेक्ट करने हैं ताकि आप फ्यूचर सेल्स जो है यहाँ पर कर सको। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पर क्लियर करना है कि कैसे आप कैंपिंग ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक वे में यानी पेड वर्जन के थ्रू मार्केटिंग इनकी कैंपिंग जो है वो रन करने वाले हो। नेक्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस कैसे सोशल मीडिया पर आप सभी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है लीड जनरेशन, आपको लीड जनरेशन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी करनी आनी चाहिए। और लीड जनरेशन के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो है आपको लैंडिंग पेज डिजाइन करना, नहीं पता तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे कर सकते हो। तो जैसा कि मेंशन था लीड जनरेशन, वहां पर दो जगह लीड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले ये मॉड्यूल आपको दिख रहा है, ये है लीड जनरेशन मॉड्यूल थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, जो एक्चुअली में आपके जॉब प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड है। और वहां पर मेंशन है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करने के लिए लीड कस्टमर्स भी लाने और लीड जनरेशन भी करना है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि लीड जनरेशन होता क्या है, और लीड जनरेशन के लिए आप लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन करते हो। लैंडिंग पेज को हम लोग सेल्स पेज, स्क्वीज पेज, फनल पेज, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन करते हो ये समझना चाहिए, लीड जनरेशन लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन करोगे ये भी आप इस मॉड्यूल में कवर अप कर सकते हो। अ गुड लैंडिंग पेज, ऑब्वियसली एक अच्छा लैंडिंग पेज होगा तभी आपके जो फ्यूचर कस्टमर है जिनको आप सेल्स में फ्यूचर सेल्स में कन्वर्ट करने वाले हो, जो आपके कस्टमर हैं, तभी अपने मेल आईडी या कोड व्हाटएवर जो भी होता है एंटर करेंगे। इसके बाद डिजाइनिंग ए लैंडिंग पेज यूजिंग मेल चिम, तो सो गाइस यहाँ पर मेल चिम जो है ना एक यहाँ पर जैसे टूल्स बोलते हैं ना, टूल है जहाँ से आप सभी अपना एक लैंडिंग पेज, स्क्वीज पेज, फनल पेज क्रिएट कर सकते हो। और इस तरीके से आपको और भी टूल्स मिल जाएंगे जैसे कि system.io है, गेट रिस्पॉन्स है। तो कैसे आप मेलचिम की हेल्प से ना यहाँ से लैंडिंग पेज, एक अच्छा लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे ये आप इस मॉड्यूल में कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग इज मीन फॉर लाइक गाइस कि आपका दो मेल है,
आपने दो मेल अलग अलग तरीके से भेजा और कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वो कहते हैं ए बी टेस्टिंग, मतलब कि आपको टेस्ट करना दो ईमेल्स के बीच में, जिसे हम लोग कहते हैं ए बी टेस्टिंग। और इन सारी चीज़ों को आप जो है ना गाइस डेप्थ में कवर अप कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे वो है लीड जनरेशन डिजिटल मार्केटिंग कैंपिंग्स में। सो फ्रेशर्स, अगर आप फ्रेशर हो, अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, लीड जनरेशन में, तो आपसे भी डेफिनेटली इस मॉड्यूल को कवर अप कर सकते हो। और ये आपको यहाँ पर बस अपना टाइम और एफर्ट लगाना है, कोई मनी इन्वेस्ट फिलहाल नहीं करना है। और मैंने बात की थी कैंपिंग्स के बारे में भी कि आपको जॉब के लिए रिक्वायर्ड है कुछ कैंपिंग्स वगैरह जो है यहाँ पर रन करने होंगे, मार्केटिंग कैंपिंग्स जो है आपको हैंडल करना होगा। तो हो सकता है कि कई बार वो पेड वाला हो, तो पेड अगर होगा तो आप सर्च इंजन मार्केटिंग का हेल्प ले सकते हो, यानी कि गूगल एडवर्ड्स का। तो इसके लिए आप समझ सकते हो कि गूगल एडवर्ड्स क्या होता है, कैसे ऑर्गेनिक वर्सेस पेड क्लिक में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक मतलब आपका हो गया यहाँ से SEO, आप सभी यहाँ से SEO मेथड अगर यूज़ करते हो अपने वेबसाइट के लिए, कंटेंट के लिए, कीवर्ड के लिए, तो एक ऑर्गेनिक मेथड होता है। और बाकी की इसके अंदर की जो भी सर्विसेज होती है वो पेड होती है, और ये रिजल्ट जो है धीरे देता है लेकिन एवरग्रीन प्रोसेस है, आप इसे कर सकते हो, धीरे धीरे कर आपकी वेबसाइट रैंक पर आएगी। लेकिन यही अगर आप गूगल एड्स यूज़ करते हो, सर्च इंजन मार्केटिंग की हेल्प लेते हो, तो आपका वेबसाइट या फिर जो भी आपका कंटेंट है जल्दी रैंक करता है, अच्छी पोजीशन उसको मिल सकती है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप बिडिंग करते हो, बजट्स फिक्स करते हो, कैंपिंग जो है रन करते हो, और कैसे आपको कौन से कैंपिंग जो है अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए सेलेक्ट करना है, कैसे राइट ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन सा कीवर्ड लेना है, कितना बजट फिक्स करना है, आप सभी ये गूगल एडवर्ड्स जो है ना यहाँ से इस मॉड्यूल से कवर अप कर सकते हो। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि ऑर्गेनिक मेथड है, इसे भी आप सभी समझ सकते हो, इस मॉड्यूल को पूरी तरीके से कवर अप कर सकते हो, जहाँ पर आपको कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे SEO परफॉर्म करना है, कैसे ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO करोगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल में मिल जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बस आपको अपना टाइम देना है, क्योंकि आपको मिल रहा है सिमसॉल्स की तरफ से 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। अगर आप अपने लिए एक अच्छी जॉब चाहते हो, जो जॉब यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, अगर इस जॉब को भी चाहते हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी अदर जॉब चाहते हो, तो आई थिंक गाइस कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीखना। ऑनलाइन मनी भी अर्न करना चाहते हो या बिजनेस अपना रन करना चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको मिल रहा है 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास, जिसके लिए आप नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंटर करके अपना यहाँ पर एक्सेस ले सकते हो, और यहाँ पर रजिस्टर करके आप 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मॉड्यूल्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या कुछ सीखोगे यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिक आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वेबसाइट का, एफिलिएट मार्केटिंग, होस्टिंग, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंटरेस्टेड हो तो नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंटर करके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, तो जॉब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करते के साथ आपको ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, अर्निंग मंत्र प्रोफाइल। जैसे ही आप सभी क्लिक करोगे आ जाओगे अर्निंग मंत्र की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको मैंने बात किया था लीड जनरेशन मैनेजर जॉब प्रोफाइल के लिए, आपके साथ मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, और ये डिजिटल मार्केटिंग वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब है। नेक्स्ट, अगर आप सभी लगता है कि आप कोई और जॉब देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग या फिर किसी अदर फील्ड में, तो यहाँ पर आपको प्लेंटी नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से जॉब को जो है स्क्रॉल करके चेक करके अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल अभी इस जॉब के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी वगैरह सारी मेंशन है, प्लैटिनस कंपनी नेम है, क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और हम लोग क्लिक करते के साथ डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वो है प्लैटिनस टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई करने का। सबसे पहले बात कर लेंगे एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है गाइज वो है 3 to 6 years। अगर आपके पास 3 to 6 years का डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन में एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, 4, 5, 6 years, 3 years, तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर लेना। और फ्रेशर बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये जॉब आपके लिए परफेक्ट फिट नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर आपको बहुत सारी फ्रेशर वाली जॉब भी मिल जाएगी एज अ फ्रेशर, जहाँ परफॉर्म कर सकते हो, और स्किल्स कहाँ से आपको ग्रैब करनी है वो इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो काइंडली, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी कंपनी के बारे में, और बाकी सारी चीज़ें क्या रिक्वायर्ड है वो भी देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एनी ग्रेजुएट कैन हैव गुड नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन कैन अप्लाई। अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग का, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में हो कर सकते हो। यहाँ पर आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिटन स्किल्स भी होना
जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्क्स एंड बेनिफिट्स है, तो यहाँ पर देख सकते हो कॉम्पनसेशन इज ओपन एंड विल बी डिसाइडेड एज पर द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको कॉम्पनसेशन वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पर मेल आईडी फोन नंबर है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम होती है तो। और अप्लाई का बटन यहाँ पर है, अप्लाई करते के साथ आपको यहाँ पर अपना रिज्यूमे, स्किल्स, फोन नंबर, मेल आईडी सब कुछ एंटर करना होगा। तो इसके लिए आपको अपनी एक मेल आईडी, फोन नंबर जो भी एंटर करना है सारी चीज़ें प्रिप कर लेना। सो गाइज ये था प्रोसेस जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये जॉब इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक बनता है, और अगर आपको लगता है कि इस जॉब की आपको नहीं किसी और को रिक्वायरमेंट है तो उनके साथ ये वीडियोज जो है गाइज शेयर कर देना। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो या फिर अपने साइड से कैसे जॉब रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप सभी को ऐसे ही जॉब अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं अभी आप सभी से अगले और नए वीडियो के नए जॉब अपडेट में। तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।